कदम रखा था। इधर भारत ने चांद के जिस हिस्से दक्षिणी ध्रुव में कदम रखा वहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। इसे चांद पर सबसे मुश्किल जगह भी माना जाता है क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव बेहद उबड़ खाबड़ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी हैं, कई किलोमीटर तक फैले बड़े और गहरे गड्ढे हैं। वहां पर चुनौती यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी बेहद कम पड़ती है, इसी वजह से वहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। लेकिन भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने पहली बार वहां उतरकर इतिहास रच दिया। लैंडर विक्रम ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर न सिर्फ बर्फ के रूप में पानी हो सकता है बल्कि कई तरह के खनिज भी हो सकते हैं। इसी वजह से कई देशों ने वहां तक पहुंचने का सपना देखा जिसे सिर्फ भारत ही पूरा कर पाया। लेकिन चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 कई अहम पड़ावों से होकर गुजरा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुरू हुआ चंद्रयान 3 का सफर कई मायनों में बेहद अहम था। इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत और सटीक प्लानिंग के दम पर चंद्रयान 2 की नाकामी के 4 साल के अंदर ही चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचा दिया। हालांकि करीब 41 दिनों के सफर के दौरान वैज्ञानिकों ने फूंक फूंक कर कदम रखे। 14 जुलाई की दोपहर 2:35 पर LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचा। 9 अगस्त को इसरो के कंट्रोल रूम से वैज्ञानिकों ने इसकी स्पीड कम की और चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश करवाया। 17 अगस्त को लैंडिंग मॉड्यूल को इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। इसी लैंडिंग मॉड्यूल में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर शामिल हैं। 18 अगस्त को डीबूस्टिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया गया जिसके बाद चंद्रयान 3 चांद के और ज्यादा करीब पहुंच गया। और 21 अगस्त को चंद्रयान 3 ने 4 साल पहले 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क किया। और जैसे ही भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा देश के कई हिस्सों में जश्न मनना शुरू हो गया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय से भी सामने आई। वहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। और जैसे ही इसरो ने चांद पर लैंडिंग का ऐलान किया वहां तालियां बजने लगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसरो को इस मिशन की सफलता की बधाई दी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर इस कामयाबी का जश्न मनाया। इससे पहले वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा लहराकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मिशन के कामयाब होने की खुशी में वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इसरो को बधाई दी। इस बीच चांद फतह के बाद बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में चंद्रयान के नायकों का सम्मान किया गया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 मिशन के कामयाब होने पर इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और उन्हें पास बुलाकर चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की बधाई भी दी। इस दौरान वहां कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए, वो भी देश की इस बड़ी कामयाबी पर झूम उठे और वहीं पर जश्न मनाने लगे। चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब बनाने में इसरो के कई वैज्ञानिकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, इसीलिए इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच जैसे ही भारत को चांद पर सफलता मिली जम्मू में CRPF के जवानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जवानों ने इस बड़ी कामयाबी पर जमकर जश्न मनाया और वो अपने कैंप में साथियों के साथ झूम उठे। CRPF के जवानों ने देश के चांद पर इतिहास रचते ही मिठाइयां बांटी और वैज्ञानिकों को इस कामयाबी पर बधाई दी। हम बहुत खुश हैं, हमारे फौजी भाई सारे इस पल को सब इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू के उस कैंप में CRPF के जवान काफी देर तक झूमकर देश की इस बड़ी कामयाबी पर जश्न मनाते रहे। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी और अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की, जिसकी खबर मिलते ही इस मिशन की अगुवाई करने वाले वैज्ञानिकों में एक लखनऊ की ऋतु करिधाल के स्कूल में दुगना जश्न मनाया गया। क्योंकि एक तो भारत के इतिहास रचने की खुशी और दूसरा इस इतिहास को रचने में योगदान देने वाली ऋतु करिधाल। आज हम जितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऋतु करिधाल के स्कूल में प्रोजेक्टर लगाकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट देखा गया और जैसे ही लैंडर चांद पर उतरा वंदे मातरम के नारे लगने लगे। ऐसा ही नजारा देश के लगभग हर दूसरे स्कूल में देखने को मिला। भोपाल से सामने आई तस्वीरों में वहां के भी एक स्कूल में छात्र और टीचर चंद्रयान 3 की कामयाबी पर तिरंगा फहराते और भारत की जीत के नारे लगाते दिखे।